गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे हैं और 3 दिन के छुट्टी के बाद, अभी होली के छुट्टियों के बाद आज मुझे स्कूल जाना है। तो मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। और आज मैं आपको अपने वेजिटेबल गार्डन की अपडेट्स देती हूँ, जो मैंने वेजिटेबल के प्लांट्स लगाए हैं, तो उसके अपडेट्स दूंगी आज मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बैंगन के पौधे हैं और इनको लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है मेरे बैंगन का। और ये एक मिट्टी के टब में लगाया है और ये वाला जो है एक ग्रो बैग में लगाया है मैंने। ग्रो बैग वाली पौधे में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। स्पॉन्ज गॉड की प्लांट है, मैंने बीज बोए थे तो अभी ये अंकुरित हुआ है। और ये मेरे लेमन के पौधे हैं, गोल गोल वाले लेमन। फ्रेंड्स, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शोरगुल नहीं होती चारों तरफ और बहुत शांति होती है। और चिड़ियों की जो चहचहाहट वो बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये एक कैप्सिकम लगा हुआ है, तो ये दो मेरे कैप्सिकम्स जो है वो इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सक रहे हो। और ऊपर से भी फ्लावर्स आए हुए हैं, तो इनको मैंने ग्रो बैग्स में लगाया है। और ये मेरे दूसरे चिली वाले पौधे, ये देखिए, इनकी मैंने ऐसे यहाँ पे टिप जो है वो पिंच कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि साइड से कितने नए नए ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं, नए नए अंकुरण स्टार्ट हो गया है। और इस वाले में भी सेम हालत है, इसकी भी मैंने टिप तोड़ दी थी, तो आप देख सकते हो चारों तरफ से नई पत्तियां निकलने लगी है छोटी छोटी। और ये दो मेरे टमाटर के प्लांट्स बहुत अच्छे हैं और इस प्लांट में तो टमाटर लग चुकी है। फ्रेंड्स, मैं पहले वेजिटेबल्स नहीं लगाती थी, अभी मैं नया नया मैंने शुरू किया है, तो आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहूं। तो इस वाले प्लांट में भी देखिए फ्लावर निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, ये मेरे भूत जोलोकियाज हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ एसमीज में यहाँ पे भूत जोलोकिया बोलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये अब थोड़ी थोड़ी और जब बड़ी हो जाएंगी तब इनकी भी मैं टिप तोड़ दूंगी, ताकि ये भी प्लांट बहुत घना बन जाए, बहुत सारे ब्रांचेस आ जाए इनमें। ज़्यादा वेजिटेबल के प्लांट्स तो नहीं है मेरे पास, धीरे धीरे मैं शुरू कर रही हूँ और अभी आगे जाके मैं और भी प्लांट्स लगाने वाली हूँ, तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए, ये खीरे का एक पौधा निकला है, तो इसको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने और एक ग्रो बैग में, मेरा ये नया ग्रो बैग है, ऐसे मुझे 10 ग्रो बैग मिले हैं, मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन टमाटर मिर्च वगैरह लगाने के लिए काफ़ी है। और इसमें मैंने 2 टमाटर के पौधे लगाए हैं और अभी तो मैंने शेड में रखा है, क्योंकि इनके रूट्स जो है अभी अच्छे से मिट्टी में एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, तो एक बार रूट्स जो है अच्छे तरह से सॉइल में सेट हो जाए तब मैं इनको धूप में शिफ्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।